हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। तो अभी मैं शूट करने जा रही थी तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज अभी दिवाली आने वाली है एंड देयर इज अ लॉट दैट इज हैपनिंग हियर। तो मैंने सोचा कि सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाए। तो अभी मैं वही रेडी हो रही हूँ, नहा वहा के आई अभी एंड आई एम जस्ट गोना शूट टूडे एंड उसके बाद मे बी अगर हमें टाइम मिलता है तो वील गो टू द मॉल। ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं है जो लेना है, बट वी आर जस्ट गोना गो एंड वॉक अराउंड देखने के लिए कि क्या क्या यू नो नया दिवाली के लिए कलेक्शन आया है, एंड अगर कुछ पसंद आता है तो ले आएंगे। एनीवेज मैंने अभी तक अपना दिवाली आउटफिट भी नहीं लिया है, तो अगर मुझे कुछ पसंद आ जाता है तो दैट इज व्हाट आई एम गोना बाय टुडे। और उसके अलावा आई हैव टू सेट अप द रूम टुडे। उसके अलावा मुझे अमेजोन की डेकोर हॉल वीडियो शूट करनी है और मुझे कुछ कुछ शॉर्ट्स भी शूट करने हैं क्योंकि ब्रांड्स की डिलीवरेबल्स है इसी वीक में। दिस इज द रीजन आई एम नॉट एबल टू वॉक हाफ ऑफ द टाइम। मैंने सिर्फ ब्लॉग का इंट्रो ही शूट किया था, इतने में पीछे से मेरे भाई की आवाज आती है कि चल एक गेम रमी खेल लेते हैं, एंड आई एम लाइक ऑब्वियसली दिवाली सीजन है एंड लाइक वी लव प्लेइंग कार्ड्स, तो हमें बस मौका चाहिए रहता है। और अभी तो दिवाली सीजन है तो वो मूड बना ही हुआ है कार्ड्स खेलने का, कल रात से हम शुरू हो गए थे एंड देन आई वॉज लाइक चल ठीक है एक गेम खेल ही लेते हैं। सो हम रमी खेलने लग गए थे एंड अभी फिर मुझे उसके बाद शूट करने से पहले याद आया कि मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, मुझे भूख सी लग रही थी। सो हियर आई एम कुकिंग ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ। तो अभी ज्यादा टाइम मैं नहीं वेस्ट करना चाह रही हूँ तो फिर कुछ और बना नहीं रही हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग सम ओट्स विद ड्राई फ्रूट्स, सो दैट इज समथिंग आई लाइक टू ईट इन द मॉर्निंग क्योंकि हेल्दी भी रहता है एंड देन मतलब मुझे उतना ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट पसंद नहीं है, तो वही अभी मैं ओट्स बना रही हूँ एंड आई हैव माई ब्रेकफास्ट फर्स्ट। उसके बाद आई स्टार्ट शूटिंग। सबसे पहले मैं अमेजोन के डेकोर हॉल वीडियो शूट करूंगी और इस व्लॉग से पहले तो वो डाल ही चुकी होंगी मैं, तो अगर आपने अभी तक वो चेकआउट नहीं की है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखना। यू विल गेट सम अमेजिंग यू नो होम डेकोर ऑप्शंस एंड दैट टू इन अ बजट। सो या दैट्स दैट। अभी मैं फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ एंड देन मैं आपको दिखाऊंगी आज कि मैं अपना शूट सेटअप कैसे करती हूँ। ठीक है, ब्रेकफास्ट इज रेडी। सो दिस इज वॉट माई ब्रेकफास्ट लुक्स लाइक। ज्यादातर मुझे सुबह यही खाना पसंद है, बट अगर लाइक कभी कुछ ज्यादा ही मम्मी ने अच्छा नाश्ता बना दिया है तो मैं वो खा लेती हूँ, बट अगर जनरल लाइक पराठा सब्जी होता है तो फिर मैं ओट्स ही प्रेफर करती हूँ बिकॉज मॉर्निंग में ही मुझे ऐसा लगता है पराठा थोड़ा मुझे ज्यादा हैवी हो जाता है, फिर मुझे बहुत आलस आने लग जाता है। सो आई लाइक ईटिंग ओट्स। मैं इसमें नमक या चीनी कुछ भी नहीं डालती हूँ, लाइक दे आर प्लेन ओट्स, प्लेन एंड सिंपल। सो And I put a lot of nuts in these ताकि you know एक texture आए and I'm used to it। Starting में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्ला सा लगता था, बिल्कुल खाया नहीं जाता था, अब तो मुझे काफ़ी पसंद है तो मैं शौक से खा लेती हूँ। एंड other than that जब मैं डाइट पे थी ना मैंने तब ये खाना शुरू किया था, अब तो डाइट वर्कआउट वो भी एक ज़माना था, कुछ भी नहीं हो रहा है। लाइक हेल्थ वाइज आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ एट ऑल। मैं बहुत सोच रही हूँ कि हाँ वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, डाइट स्टार्ट करेंगे, पर मैं बस सोच ही रही हूँ, हो नहीं रहा है। आई नीड टू फिगर दैट आउट एज वेल, बट पता नहीं क्यों आजकल मेरे से कुछ नहीं हो रहा, ना काम हो रहा है ना वर्कआउट हो रहा है, बस एंड आई ब्लेम इट ऑन द वेदर। टॉकिंग अबाउट द वेदर ऑल्सो, इट इज सो वियर्ड। आई मीन अभी बीच में ना बारिश होने लगी थी एंड बिन मौसम बरसात थी वो, तो उस महीने में तो कभी भी पहले बारिश हुई नहीं, बट इस बार इतनी बारिश हुई थी और अचानक से ना ऐसा लगा था कि सर्दियां ही स्टार्ट हो गई हैं। इतनी ठंड लगने लग गई थी कि आई थिंक तीन चार दिन तो हम लोग रात में बिना पंखे के सोए थे, इतना ठंडा होने लग गया था। और आजकल वापस इतनी गर्मी होने लग गई है कि वापस हमारा एसी चालू हो गया है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ आपके यहाँ वेदर के क्या हाल है, ये हमारे ही घर में हो रहा है या फिर सबका यही हाल है? आप लोगों की सर्दियां आ गई हैं, अभी भी गर्मियां ही चल रही है? लेट मी नो इन द कमेंट्स।
ओके तो ब्रेकफास्ट करके मैंने अपनी मेडिसिन ले ली थी और उसके बाद मैंने अपना पूरा सेटअप कर लिया था बिकॉज आई हैड टू शूट सम रील्स एंड शॉर्ट्स. यूट्यूब वीडियो में अभी नहीं शूट कर रही हूँ क्योंकि काफी दिन से मम्मी को मॉल जाने का है जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में. तो अगर मैंने अभी सेटअप कर दिया तो उसमें टाइम लगेगा एंड फिर आज भी मॉल जाने का प्लान कैंसिल हो जाएगा. तो या तो मैं मॉल से आने के बाद शूट करूंगी या फिर कल शूट करूंगी यूट्यूब वीडियो. तो दैट्स द प्लान. बट रील्स मुझे शूट करनी है बिकॉज वो ब्रांड डिलीवरेबल्स है, वो अभी करके देना है आज और कल में ही. तो मैं वो शूट करने के लिए मैंने अपना रील्स का सेटअप कर लिया था. इतने में मेरे भाई को भूख लग गई है तो अब मैं उसके लिए यहाँ पे आके खाना बना रही हूँ क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है. सो अभी हम लोग पहले ब्रेकफास्ट बनाएंगे एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट नहीं होते लंच ही हो गया, 12 के बाद हो गया तो लंच करेंगे उसके बाद फिर मैं रील शूट करूंगी. I'm all set to shoot now, but before starting to shoot, I want to remove my facial hair. क्योंकि ना बहुत time हो गया है that I haven't done any you know self pamper session. जैसे मैं ना पहले हर weekend पे करती थी kind of manicure, pedicure, face shaving ऐसे करके. But अभी ना बहुत time हो गया है that I haven't. Been about a month की मैंने face shaving नहीं की है और कोई एक्सफोलिएशन भी नहीं किया है. सो माय पोर्स एंड स्किन इन जनरल हैज स्टार्टेड फीलिंग वेरी वेरी कंजेस्टेड. तो दैट इज व्हाट आई एम गोना वर्क ऑन टुडे. तो आज मैं अपने फेशियल हेयर रिमूव कर रही हूँ. उसके बाद एक दो दिन के गैप के बाद आई विल एक्सफोलिएट. केमिकल पील मैं यूज करूंगी सो दैट देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ गैप बिटवीन बोथ शेविंग एंड केमिकल एक्सफोलिएशन. वरना स्किन ओवर एक्सफोलिएट हो जाती है तो अगेन इट स्टार्ट एक्टिंग वेरी वियर्ड. तो आप देख सकते हो इट इज अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस. यू जस्ट हैव टू स्ट्रेच द स्किन दैट यू आर वर्किंग ऑन और इसके बाद ये रेजर को आप ऐसे 45 डिग्री के एंगल परपेंडिकुलर मत रखना. यू विल कट योर सेल्फ और बहुत ज्यादा ऐसे रख दोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू रिमूव एनीथिंग. यू जस्ट हैव टू कीप इट एट अ 45 डिग्री एंगल एंड देन स्टार्ट शेविंग एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ हेयर दैट इज कमिंग आउट. लुक एट दैट. So it will remove the dead skin or your facial hair, everything. So it is a very very good thing. Agar aap facial hair remove karna start kar do, you are gonna love it and there is no going back. Haan, thoda sa change aaya hai mere face shaving ke routine mein. पहले मैं कभी कभी ड्राई शेव भी कर लेती थी बट नाउ आई मॉइस्चराइज माई स्किन बिफोर आई स्टार्ट शेविंग ताकि मेरी स्किन ऐसे ड्राई ना फील करे और रेजर बर्न्स ना आए. एंड द सेकेंड थिंग आई हैव चेंज्ड इज पहले मैं हर यू नो 3 से 4 दिन में अपना फेस शेव करती थी बट आई फील जब मैंने केमिकल एक्सफोलिएशन स्टार्ट किया एंड उसके साथ मैं हर 2 से 3 दिन में अपनी फेस शेव करने लग गई थी सो माई स्किन वॉज गेटिंग ओवर एक्सफोलिएटेड. तो अब मैं क्या करती हूँ एक हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार अपना फेस शेव कर लेती हूँ. सो ओनली दोज आर द थिंग्स जो मेरी फेस शेविंग रूटीन में बदला है. बट अगर आप जानना चाहते हो इन डिटेल फेशियल हेयर रिमूवल के बारे में मैं उसके ऊपर एक बहुत डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ जो बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी अगर आप अपने फेशियल हेयर रिमूव करना चाहते हो. सारे मेथड स्पेशली डिटेल टॉक अबाउट फेस शेविंग मैंने शेयर किया हुआ है तो मैं लिंक कर दूंगी आई बटन में, आप लोग चेकआउट कर सकते हो. अब मैं फटाफट से अपना फेस शेव करके अपनी जो भी रील्स है वो शूट कर लेती हूँ एंड देन आई विल मीट यू गाइस. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द किचन अगेन. तो आज का प्लान था फुल डे शूट का बट समहाउ वो टर्न हो गया है फुल डे कुकिंग में क्योंकि अभी मम्मी को आने में लेट हो गई थी तो हमारा मॉल का प्लान थोड़ा सा डिले हो गया. तो मैंने उसके वजह से शूट स्टार्ट नहीं किया था बिकॉज मुझे लगा कि मम्मी जल्दी आ जाएगी तो तब तक मेरा फिनिश नहीं हो पाएगा तो फिर मेरी वजह से डिले हो जाएगा. उस चक्कर में मैंने अपना शूट स्टार्ट नहीं किया एंड अभी मम्मी ही लेट हो गई है बट वो कह रही है कि वो थोड़ी देर में आएंगी तो अभी स्टार्ट करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है. एंड अभी उन्होंने लंच भी नहीं किया और लंच का टाइम हो चुका है सो अब मैं लंच बना रही हूँ. तो अभी थोड़ी देर पहले भाई को लंच बना के दिया था तो उसने तो कर लिया है मेरा और मम्मी का बचा हुआ है लंच. ओ माय गॉड, ये प्याज तो मुझे रुला ही रहा है. तो अभी मैं बनाने वाली हूँ जवे तो फटाफट से वो बना लेते हैं. मम्मी आएगी तो हम खा के फिर चलेंगे क्योंकि मुझे भी अभी ज्यादा भूख लग रही है. पहले मैंने सोचा था कि लंच स्किप कर देते हैं, मॉल में ही जाके फूड कोर्ट में कुछ खा लेंगे. जस्ट अ मिनट.
अभी थोड़ा सा ज्यादा देर लग गई है तो मुझे भूख लगने लगी, तो मैंने सोचा कि पहले कुछ खाना ही बना लिया जाए. सो जावेद लाइक क्विक एंड ईजी, तो मैं वही फटाफट से बना लेती हूँ. फिर मम्मी आ जाएगी तो हम ना थोड़े थोड़े जावे खा के फिर चलेंगे मॉल. तो अभी मैं आप लोगों को पहले अपना आउटफिट ऑफ द डे दिखा देती हूँ और अगले क्लिप में सीधे मॉल में शूट करूंगी, बिकॉज अभी मुझे बहुत भूख लग रही है. फटाफट खाना बना के पहले खाना खा लेती हूँ. सो व्हाट आई एम हियरिंग टुडे इज अगेन समथिंग दैट यू हैव सीन मी इन अ लॉट ऑफ टाइम्स, बिकॉज ये मेरा कंफर्ट आउटफिट है. मुझे कहीं भी बाहर जाना रहता है, समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं, तो आई गो विद दिस. सो ये मेरी ब्लैक टी शर्ट है, देन आई हैव माय ब्लू जॉगिंग पैंट्स एंड दिस यू नो फैनी पैक. सो या आई एम वियरिंग दिस. तो मैंने काफी सारे यू नो अपर टॉप्स ट्राई किए, वो पिछला वाला चेंज कर दिया था बिकॉज वो थोड़ा क्रॉप्ड था, तो मुझे इस क्रॉप्ड में उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है. एंड प्लस आज मुझे शॉपिंग करनी है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू बी ईजी ब्रीजी टू मूव अराउंड फ्रीली, तो इसलिए मैंने ये आउटफिट डाल लिया है. एंड या नाउ आई विल सी यू इन द मॉल. फर्स्ट आउटफिट दैट आई ट्राइड, ये मुझे डमी पे तो बहुत अच्छा लग रहा था. ये एक लाइक रेडीमेड रेडी टू वेयर सारी टाइप्स है, बट आई डोंट नो इफ इट इज जस्ट मी और द ड्रेस, ये फिट मुझे खुद पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. सो कैंसिल. मेरा कुर्ता जो मेरे भाई को पसंद आया है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, बट आई जस्ट थ्रो इट ऑन एंड सी हाउ इट लुक्स. सो वाइज शॉपिंग वाइज इट वॉज जीरो लक, लाइक आउटफिट वाइज, क्योंकि मुझे कुछ भी आउटफिट एज सच पसंद नहीं आया. सो कुछ कुछ मुझे पसंद आ रहे थे, बट देन दे वर लाइक समथिंग अदर वॉज रॉन्ग विद दोज आउटफिट्स. तो आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को जो क्लिप्स दिखाई थी उसमें जो मैंने एक ट्रेंड्स में जाके पिंक कलर का कुर्ती ट्राई किया था, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था. लाइक इट वॉज वेरी सिंपल एंड सोबर पीस एंड आई वॉन्टेड टू कीप इट मिनिमलिस्ट फॉर द दिवाली, बट उसमें क्या था ना, उसमें पीछे लाइनिंग नहीं लगी थी, वो बहुत पतला कपड़ा था तो वो बहुत ज़्यादा सी थ्रू था. तो अभी थोड़ा जैसे ठंड भी बढ़ रही है तो एक तो उस हिसाब से वो मटीरियल था नहीं, एंड देन वो सी थ्रू था तो मुझे उसके पीछे कुछ पहनना पड़ता. एंड आई डोंट नो, बट आई वॉज जस्ट नॉट लाइकिंग इट दैट मच, तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया था. फिर मुझे लाइव स्टोर में एक शरारा सेट बहुत पसंद आया था जो मैंने आप लोगों को लास्ट में दिखाया था, मतलब उस पर तो मेरा दिल आ गया था, वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था. एंड मुझे उसी टाइप का कुछ लेना भी था, स्टार्टिंग से दिमाग में वही था, बट द थिंग इज उसमें नूडल स्ट्रैप थे, तो सबसे पहले तो मैंने वो इसीलिए रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज आई डोंट वियर नूडल स्ट्रैप्स, आई एम लिटिल बिट कॉन्शियस, आई डोंट यू नो वियर समथिंग दैट इज वे टू रिवीलिंग ऑन दिस पार्ट, तो इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दिया था. बट स्टिल मुझे वो इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था कि मैंने सोचा चल अगर अच्छा लग रहा होगा तो मैं ले लूंगी, लाइक आई वियर इट लाइक मे बी कैरी द दुपट्टा दिस वे और समथिंग, तो मैंने सोचा था कि मैं ले लूंगी. बट मुझे नहीं पता कि वो किसके लिए बना हुआ है, उसका नेक इधर तक था, इट वॉज दिस डीप एंड आई डोंट नो उसको कौन कैसे पहनेगा, बट मेरे बस की तो नहीं है इतना रिवीलिंग नेक पहनना, रिवीलिंग भी नहीं, इट वॉज लाइक वे टू मच. तो फिर मैं अभी तो कुछ भी नहीं लेके आई, देखते हैं अगर अभी 3-4 दिन बचे हैं दिवाली पे, अगर मैंने कुछ कहीं गई तो मैं ले लूंगी, वरना देखते हैं क्या पहनेंगे. इट आउट एंड यू विल सी इट इन सम अदर व्लॉग, आई डोंट नो आई एम हेयर इज एक्टिंग सो वियर्ड टूडे, बट या तो हम ना मिनीसो गए थे तो मैंने सोचा एक छोटी सी मिनीसो हॉल कर दूँ, क्योंकि कुछ एसेंशियल्स मैं लेके आई हूँ. ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा सिर्फ मिनीसो से ही लेती हूँ, सो आई विल जस्ट शेयर इट विद यू गाइज. तो ये दो रूम फ्रेशनर्स लिए हमने, इसमें मिनीसो की पूरी लेबलिंग थी वो मैंने हटा दी बिकॉज मुझे ये जार्स ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं. सो ये लैवेंडर फ्रेगरेंस में है एंड ये जैस्मिन फ्रेगरेंस में है एंड दे बोथ स्मेल अमेजिंग. और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है भी नहीं, दीज आर फॉर जस्ट आई थिंक इट वॉज फॉर
150 और 200 रुपीज, नॉट मोर देन दैट. देन मैंने ये कैंडल खरीदा. मुझे काफी टाइम से मन कर रहा था कि मैं कैंडल लूँ, बट बिकॉज फर्स्ट टाइम है आई डोंट नो इफ लाइक आई वुड लाइक इट और नॉट, तो मैं उतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेना चाहती थी. तो मैंने मिनीसो से ही इसको लिया. दिस इज इन द वेरिएंट रोमांटिक डेट. नाउ इट स्मेल्स वेरी वेरी रोमांटिक एज इट सेज. बहुत अच्छा इसका स्वीट सा फ्रेग्रेंस है. एंड आई थिंक आई बॉट दिस वन फॉर 190 रुपीज. या इट वॉज अबाउट समवेयर अबाउट 200 रुपीज. सो 190 या 200 का ये था. देन मैंने लिया ये डीप क्लेंजिंग नोज स्ट्रिप्स. ये मुझसे ज़्यादा मेरे भाई के काम आते हैं तो उसके लिए मैं ये हमेशा लेती हूँ. एंड मैंने काफ़ी सारे ट्राई किए हैं फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स. आप लोगों ने मेरी पिछली पुरानी वीडियोज में देखा होगा. आई डोंट रिमेम्बर द ब्रांड जो मैंने यूज़ किया था, बट हाँ मैंने दो तीन ब्रांड के यूज़ किए हुए हैं. बट मुझे मिनीसो के ही सबसे अच्छे लगते हैं. एंड दिस इज फॉर 170 रुपीज. और इसमें आपको 10 नोज स्ट्रिप्स मिलती है. सारे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स अच्छे से रिमूव कर देती है. और इसको रिमूव करने के ऊपर आप ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड सीरम डाल लो तो यू नो एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मिलता है. सो दैट इज दैट. सो दिस इज अ पैक ऑफ 18 टिश्यूज. इसमें ना ऐसे टिश्यू पैक्स होते हैं तो ये पॉकेट साइज होता है. आप इसको ना आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हो. और जब आप इसको ओपन करोगे ना तो इसमें काफी सारे इधर ऐसे टिश्यूज होते हैं. और जब आप इसे निकाल के ओपन करोगे तो इट इज लाइक अ फुल साइज टिश्यू. और इसमें 3 लेयर का टिश्यू होता है. तो यू गेट अ लॉट ऑफ टिश्यूज इन दिस. और ये बहुत ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है. मैं कहीं भी जाती हूँ मतलब ये टिश्यू का, तो आई मीन आप मेरे घर पर कोई भी बैग कोई भी ड्रॉर खोल लो, यू विल गेट वन टिश्यू एवरीवेयर. और मेरी जीन्स की पॉकेट में, मम्मी के पर्स में, एवरीवेयर वी कैरी दिस. बिकॉज हम मतलब कुछ भी लेके बाहर जाए ना तो एक टिश्यू हर उसमें होना ही चाहिए. बिकॉज कभी आप हैंकी भूल जाते हो या फिर मे बी आपका हैंकरचीफ यू नो यूज हो गया है, नाउ यू वॉन्ट समथिंग, तो ईजी टू यूज, यूज एंड थ्रो ऑप्शन है. तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है और ये बहुत ज्यादा इनएक्सपेंसिव है. यू गेट दीज 18 पैक ऑफ टिश्यूज फॉर 190 रुपीज. सो इट इज समवॉट अबाउट लाइक 10 to 12 रुपीज वन पैक. तो काफी ज्यादा यू नो अफोर्डेबल है तो, और ये बहुत हेल्पफुल रहता है. तो मेरे पास ना ये था और भी मेरे पास सिर्फ 3 ही बचे हैं, बाकी खत्म हो गए थे तो फिर मैं ये ले आई. एंड देन लास्ट आई गॉट दिस. दिस इज अ पैक ऑफ कॉटन पैड्स. ये स्किन केयर, मेकअप रिमूवल और काफी चीजों में काम आ जाते हैं. तो ये मुझे, मैंने अभी मिनीसो के ना अमेजोन पे ही मिल नहीं रहे, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए फॉर सम रीजन, अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है. तो मैंने ना दूसरे कॉटन पैड्स मंगाए थे, बट मैं कुछ भी ट्राई कर लू आई गो बैक टू दीज. दीज आर सो अफोर्डेबल एंड गुड क्वालिटी. इसमें आपको 180 कॉटन पैड्स मिलते हैं एंड दीज आर फॉर रुपीज 150. अगेन वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड यू नो इनएक्सपेंसिव. तो मुझे ये चीजें मिनीसो से ही लेना पसंद है एंड दे वर्क वेरी वेरी गुड. इसमें से कैंडल को छोड़ के कुछ भी न्यू परचेज नहीं है. दीज ऑल आर रीफिल्स, सो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दीज. इफ यू वॉन्ट टू गो अहेड एंड बाय एनी ऑफ दिस, आप ले सकते हो एंड बहुत अच्छा ये काम करते हैं. सो या आप भी बात कर लेते हैं आज के गिव अवे की. सो द रूल्स आर गोना बी वेरी वेरी सिंपल लाइक ऑलवेज. तो सबसे पहला रूल होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट. अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस गिव अवे. सेकेंड वुड बी टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं अपना हैंडल लिंक कर दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. एंड द थर्ड वुड बी ड्रॉप अ कॉमेंट डाउन बिलो टेलिंग मी वॉट वॉज द फेवरेट पार्ट ऑफ योर्स इन टूडेज वीडियो. एंड या उसी के साथ मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ. आई होप आपको ये डेली ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. आप वो एक्स्ट्रा एफर्ट देख सकते हो अपने काम के साथ साथ. आई एम ट्राइंग टू टेक यू गाइज अलॉन्ग सो दैट यू नो मी अ लिटिल बोट मोर पर्सनली. दैट्स अबाउट टूडे. इफ यू लाइक टूडेज वीडियो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन. ड्रॉप अ कॉमेंट डाउन बिलो टेलिंग मी वॉट आर द टाइप ऑफ वीडियोज यू वॉन्ट मी टू डू. एंड या अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम I upload new video. Now I will see you super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.